आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं श्रृंखला के, ठीक है। इसको ही कह दिया गया समस्या आकृति और उत्तर आकृतियों की श्रृंखला बनाना। समस्या आकृति समझ रहे हैं, यह होता है कि ना, इधर ऑप्शन दिया रहता है, उत्तर इसमें से खोज के भरना रहता है। तो श्रृंखला को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में बाईं ओर तीन समस्या प्रश्न आकृतियां रहती है, तीन को रहता है ना, एक दो तीन को रहेगा, एगो बॉक्स खाली रहेगा, और चौथी आकृति के लिए स्थान रिक्त रहता है, मतलब खाली रहता है। उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित रहता भी है, न भी रहेगा, उसे कोई टेंशन न लीजिएगा। यह समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में तर्कसंगत ढंग से रहती है, ये एक सीरीज में एक तर्कसंगत ढंग से, जिस तरीका से ये रहेगी सीरीज में उसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगला में क्या आएगा वह आंसर यहाँ पे इस ऑप्शन में से चारों कोई ना कोई एगो में देला रहता है, तो वही आंसर हो जाता है। एक श्रृंखला में तर्कसंगत ढंग से रहती है। दाएं ओर दी गई आकृतियों में से उस सही उत्तर को ढूंढना है जो समस्या आकृतियों की श्रृंखला को तर्कसंगत ढंग से पूरा करती है, मतलब इसको सही ढंग से जो पूरा कर देगा ना चारों ऑप्शन में से, कहने का मतलब यहाँ जो आ जाएगा आपको बनाने के बाद वो पक्का है, में कहीं ना कहीं रहता है। ऐसे ही प्रश्नों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए, पूरा रीजनिंग भर में, नॉन वर्बल में या वर्बल हो, हम जब भी कहते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए कि करना क्या है, बनाना क्या है, तो इसमें 70% बात जो है निर्देशन में छिपा रहता है। जैसे वर्गीकरण का 5 गो प्रश्न रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा कि वर्गीकरण करना है कि क्या करना है, कैसे बनाना है। तो अगर क्वेश्चन देखते समझ में आ गया कैसे बनाना है तो बना लिए, अगर किसी भी कारणवश से कोई नए टाइप का प्रश्न आए या यह टाइप में से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो निर्देश पढ़ ले, और नहीं तो डायरेक्ट समझ में रहा तो डायरेक्ट समय क्यों बर्बाद करना है, पढ़ पढ़ के डायरेक्ट बना लेंगे। देखिए, निम्नांकित प्रश्नों में खड़ी रेखा के बाईं तरफ तीन समस्या आकृति दी गई है, तीन समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है, खाली है ना। समस्या आकृतियों एक श्रृंखला में है, देखिए एक श्रृंखला में है, सीरीज में है, यही बात यहाँ देखिए, समस्या आकृतियों मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक सीरीज में है। ढूंढिए कि रेखा के दाएं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में ये लिखना है। तो अरे ये कह दिया है, आपको तब रंगने वाला ना रहता है, एक का आंसर तीन होगा तो तीसरा बॉक्स रंग देंगे, पहले लिखने वाला था तो लिख देते थे बॉक्स के अंदर तीन, अब तो कंप्यूटराइज हो जाएगा आने वाला समय में, तो ऑप्शन नंबर तीन में क्लिक कर दीजिएगा तो पेंट हो जाएगा, और 7 नेक्स्ट मार दीजिएगा तो अगला पर चल जाइएगा। जो कंपटीशन का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं रेलवे SSC बैंक को तो समझ गए होंगे, और जो अभी नवोदय में है तो रंगने वाला फिलहाल काम कीजिए। तो देखिए, तो हमारा मतलब यह है कि इस क्वेश्चन इस सीरीज को इस श्रृंखला को किस तरीका से बनाया जाता है। तो अब नियम बताते हैं, श्रृंखला का नियम होता है कि इस तरीका से क्वेश्चन दे के एक बॉक्स खाली दे देगा और उसके बाद अगला यहाँ क्या आएगा वह चार ऑप्शन में से जो होगा सो आंसर खोजना रहता है। इसका मेन मकसद यह रहता है कि जिस तरीका से सीरीज किस तरीका से फॉलो करेगा, इसका रिलेशन इसमें कैसा है, फिर इसका रिलेशन यहाँ कैसे हुआ, तो सेम इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए अगला इसका रिलेशन इससे खोज देना होता है। अकॉर्डिंग टू, जैसे एक के बाद दो बढ़ के तीन हुआ, अमृत एक के बाद दो बढ़ा फिर तीन हुआ फिर दो बढ़ के पाँच हुआ, तो अमृत भी दुए बढ़ के सात हो जाएगा। अगर यहाँ दो के बाद चार हो रहा है, चार के बाद छः हो रहा है, तो यहाँ देखिए दो से चार हुआ, चार से छः हुआ, तो छः से पक्का आठ होगा, सम संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक तीन पाँच तो पक्का यहाँ सात होगा, विषम संख्या के रूप में बढ़ रहा है, तो एक सीरीज बढ़ रहा है ना कि हमेशा दो 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 बढ़ रहा है। कभी कभी पहले एक बढ़ाएगा तब दो बढ़ाएगा, तो अमृत कब बढ़ा दीजिएगा, तीन बढ़ा के आगे खोजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ पाँच दे दिया,
तो देखिए ये अभाज्य संख्या के रूप में भाग रहा है, दो तीन पांच, तो यहाँ क्या होगा सात। कभी कभी दे देगा सात ग्यारह तेरह, तो देखिए सात ग्यारह तेरह, तो आप यहाँ देखिएगा तो दूदू बढ़ रहा है। अगर ऑप्शन में पंद्रह है तो ठीक है, ऑप्शन में कहीं पंद्रह का चर्चा नहीं है, तो सात ग्यारह तेरह, तो देखिए सात के बाद अगला अभाज्य संख्या ग्यारह आता है, ग्यारह के बाद तेरह आता है, तो तेरह के बाद क्या आएगा डायरेक्ट सत्रह आ जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या के बढ़ रहा है कि सम संख्या की, प्राकृत संख्या की, भाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या, इस सब को भी ध्यान रखते हुए कभी कभी सीरीज देखना पड़ता है। और नहीं तो एक का रिलेशन दूसरा से कैसे बढ़ रहा है, दूसरा का रिलेशन तीसरा से क्या है, उसी तरह सीरीज का मतलब यही ना होता है कि एक दूसरे को मत फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, दैट इज सीरीज। एग्जाम्पल के लिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहेंगे कि इसमें प्लस है और स्टार है ना। अब क्या हो रहा है कि प्लस वाला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे नचना, जैसे नौ पर है तो दस बजाएगा, ग्यारह बजाएगा, बारह बजाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ने, घड़ी की दिशा में इसी तरह बनेगा। तो देखो प्लस वाला है यहाँ था, पैंतालीस डिग्री बढ़ के यहाँ प्लस हो गया, देखो यहाँ था इस बॉक्स में, अगला बॉक्स में 45 डिग्री बढ़ के यहाँ आया क्लॉकवाइज में, फिर अगला बॉक्स में 45 डिग्री और बढ़ गया क्लॉकवाइज में, तो यहाँ आया। तो बताओ बुआ अगला बार 45 डिग्री और बढ़ता है तो यहाँ है तो यहाँ चलाएगा कि नहीं चलाएगा। देखिए यहाँ से 45 डिग्री बढ़ के ई बॉक्स में आया अगला बॉक्स में, फिर यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में बढ़ा तो यहाँ आ गया। तो बताओ फिर एकरा से अगला बॉक्स में जाएगा 45 डिग्री बढ़ेगा तो यहाँ आएगा कि नहीं, तो यहाँ है लाइन पर, अब यहाँ कोना पर आया तो फिर आगे बढ़ के लाइन पर आया तो हमारे फिर यहाँ कोना पर आएगा कि ना 45 डिग्री बढ़कर, ठीक है क्लॉकवाइज में। उसके बाद स्टार देखिए ये भी क्लॉकवाइज में नच रहा है, लेकिन ई कोना में है तो उछल के अगला कोना में आ गया, फिर ई कोना में है तो उछल के इन्ने वाला कोना में आ गया। तो बताइए क्लॉकवाइज में ई कोना है तो उछल के ऊपर वाला कोना में चल जाएगा कि ना, तो स्टार ही यहाँ और प्लस 45 डिग्री बढ़ रहा था। तो देखिए स्टार हियाँ प्लस हियाँ के में है, स्टार एहो में है एहो में, लेकिन प्लस नहीं ना, तो गलती है ये में ना, देखो ये है ना, इसीलिए ऑप्शन तीन हुआ। अब मान लीजिए कि डिग्री सिग्री हम भूल गए तो ऐसे याद रखेंगे कि ये हाफ, जैसे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो लाइन है ना, तो आधा लाइन पर है तो आधा आगे बढ़ के यहाँ आया, फिर आधा घसक के यहाँ आया, तो फिर आधा घसक के यहाँ आ जाएगा कि नहीं कोना में, तो प्लस कौन कोना में, ए में ना है, ए में ना है, ए में है, तो एक के गो में है। अच्छा खाली प्लस देख लेने से नहीं होगा, दो आकृति नच रहा है तो दोनों के नचाइए। ई देखिए ई कोना में से उड़ के ई कोना में आ गया, एक घर पूरे नचा, फिर ई कोना से नच के ई कोना आया, एक घर नचा, फिर ई कोना से हमरे नच के कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखिए ऊपर सब में है, तीन गो में है, लेकिन प्लस नहीं ना था सब में, तो देखिए कोना में ई आया, ई कोना में ई आया, इसलिए आंसर तीन हो गया। तो हम लोग साधारण लैंग्वेज में भी इसको बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं। मान दिमागे में नचा दिए कि ऐसे ऐसे घूम के ही तो यहाँ आ गया, आधा आधा खसकते आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा अमरी, है कि ना। न तो ऐसे कहिए कि क्लॉकवाइज में नच के 45 डिग्री यहाँ आया, 45 डिग्री यहाँ नचा, तो देखिए सीरीज में अगला का आएगा, ये 45 डिग्री एकरो घुमाइए तो यहाँ आ गया प्लस, स्टार भी 90-90 डिग्री घूम रहा था क्लॉकवाइज में तो हमने घूम के यहाँ आया, आंसर हो गया। अब वह बात की व्याख्या कैसे किया, इस उदाहरण में प्लस और स्टार के चिन्ह विभिन्न दरों के वर्ग भुजा के साथ एक एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चल रहे कि ना, गति कर रहे हैं। इस नियम का पालन करते हुए उत्तर आकृति संख्या तीन सही उत्तर है, तीन सही उत्तर है, इसीलिए तीन है। अब देखो ये पूरा पिक्चर ना एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा, देखो इस घर पर है तो हमरी नीचे वाला घर पर ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, तो हमरी फिर यहाँ से नीचे 90 डिग्री घूम के आया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो इधर में, तो हमरी ऊपर की तरफ बन जाएगा कि नहीं तीर। देखो ये मैं नीचे गलत है, इन्ने बना दिया गलत है, उन्ने बना दिया गलत है, ऊपर की तरफ बनना गया। तो देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में घूम के इधर से यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर आया, तो यहाँ से फिर 90 डिग्री घूम के ऊपर आ जाएगा, तो देखिए ये हो ना जाएगा सीरीज में है। अब देखो ये जो है तीर पहले एकदम परपेंडिकुलर खड़ा था, अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो है
नचा तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा नचा है, ज़्यादा नहीं है, तो 30 डिग्री के करीब नच रहा है, फिर नच गया तो यहाँ आ गया। तो उसी तरह और नचा दीजिएगा तो इस बार जो है 30 डिग्री के करीब नचा है, इस बार थोड़ा ज़्यादा नच गया है, है ना, तो इस बार और नचा दीजिएगा ज़्यादा। तो ये मतलब इसका झुकाव इस बार कहाँ होगा, देखिए एंटी क्लॉक वाइज में हल्का इधर झुका, फिर हल्का और इधर हो गया, तो इस बार और इधर होगा, तो ये ऐसा ये छोड़ दिया है, तो गलत बात, ये इन्ने मुँह झुकाएगा, गलत बात है कि नहीं। ये देखिए कि सीधे ही कोना से उड़ा के लिया, इतना झुका दिया, गलत है ना, लगभग 45 के करीब 30 के करीब में कौन घूम रहा है, ये तो ये आंसर होगी। अब देखो ये जैसा है ना पिक्चर चतुर्भुज, ऐसा है चतुर्भुज ही है, वैसा है चतुर्भुज ही है, पक्का इसका मतलब है कि चतुर्भुज अगला में ऐसे रहेगा। तो देखो चारों ऑप्शन में ऐसे चतुर्भुज है कि नहीं है, वर्ग है कि नहीं है, है। अब बिंदु का में कमाल है, देखो बिंदु यहाँ से उड़ के अगला लाइन पर आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, फिर यहाँ से 90 डिग्री नच के यहाँ आया, तो बताओ अगला बॉक्स में 90 डिग्री छोड़ के लाइन इतने बनेगा ना, तो देखो के में बना ले, में बना लेते, इसीलिए चार आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला पेज की बात करते हैं, अच्छा रोटेट कराना है ना, चलिए अब दिख रहा होगा, देखो अब इसमें दो आकृति है, अब यहाँ तीन आकृति हो गया, अब यहाँ चार आकृति हो गया ना, है एगो दो गो, आई में देखो एगो दो गो तीन गो हुआ, आई में देखो एक दो तीन चार गो हुआ, तो यहाँ दो आकृति था तो तीन गो हुआ तो चार गो हुआ, तो हमारे कै गो होगा आकृति बउआ, पाँच गो आकृति जाहिर सी बात है, तो ये में है एगो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो आठ गो, तो गलत है, ये में देखो चार एक पाँच गो है सही है, ये में देखो तो चार तीन सात एक आठ गो गलत है, ये में देखो तीन चार पाँच छः गो आकृति दे दिया, होना पाँच गो ना चाहिए था, तो ये ला ये आंसर हो गया। तो ऐसे में बना दीजिए, कभी कभी औरों में पाँच गो रहता तो क्या करते, तो देखिए पहले लंबवत जो है वृत्त है, तो इस बार सीधा वृत्त बन गया, तो फिर लंबवत बन गया कौन वाला वृत्त, तो हमारे सीधा वाला वृत्त कर है वर्ग ना है, वर्ग जो है एंगल पर है खड़ा, अमरी बेस पर है, फिर एंगल पर है तो अमरी बेस पर है, तो देखो बेस पर है कि नहीं है, इसमें इसमें भी था इसमें भी था, लेकिन तो इससे तो गलती हो गया, एक चार बच गया दो और तीन, तो देखो एगो लड्डू था एगो वृत्त था तो दो गो वृत्त हो गया अगला में, हमारी तीन गो वृत्त हो गई, तो हमारे चार गो वृत्त होते कि ना होते, तो देखिए हमें चार गो वृत्त है या सीधा है, आई में तो ज़्यादा हो गया चार गो से, तो गलती है, तो ऑप्शन दो सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखिए उसी तरह ये तो सिखाए हुए हैं कि प्लस यहाँ या फिर 45 डिग्री घूम के यहाँ है, तो हमारे अगला कोना में आएगा, तो यहाँ है स्टार, यहाँ से 90 डिग्री घूम के यहाँ आया, इधर से इधर बदला तो इधर से ऊपर 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो देखो ये आंसर तीन हुआ था कि नहीं, उदाहरण में भी सिखाए थे, ये देखो 90 डिग्री उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज में घड़ी के विपरीत दिशा में, ये घर से नच के नीचे वाला बेस पर आया, हमारी इधर वाला लाइन पर आया, तो हमारी ऊपर वाला लाइन पर नच के आ जाएगा कि नहीं, देखो ऑप्शन तीन में है ना। अब यहाँ देखिए ये में चारों आकृति आपस में दिशा बदल रही है, आपस में दिशा बदल रही है, देखो ये जीरो यहाँ है ना, तो जीरो हमारे नीचे आ रहा है, इसको पहुँचा दे रहा है यहाँ, इसको पहुँचा दे रहा है यहाँ, ये वाला नच के आ रही है, देखो यही किया है ना, जीरो के नीचे 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में यहाँ पहुँचाया, जैसे ये जीरो यहाँ आया तो ये वाला आकृति उड़ के यहाँ आ गया, ये वाला आकृति यहाँ तो उड़ के ऊपर आ गया, ऊपर वाला है तो ये जीरो के बगल में आ गया कि ना, वर्ग आ गया कि ना यहाँ। उसी तरह अगला में देखिए, फिर अगला में ये वाला आकृति यहाँ वाला फिर यहाँ चला आया, जीरो उड़ के यहाँ आया, फिर इन्ने वाला है तो ऊपर चला गया, फिर ऊपर वाला है तो इन्ने बगल में आ गया, मतलब हम देख रहे हैं कि एक जब ई बॉक्स ई बॉक्स ई बॉक्स ई बॉक्स में हमने देखा कि प्रत्येक आकृति अपने अगले वाले स्थान पर क्लॉक वाइज की दिशा में घड़ी की दिशा में एक दूसरे का स्थान बदल रहा है, तो बताइए इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, ये चौभुज है जो त्रिभुज की जगह आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, आई त्रिभुज है से नीचे आ जाएगा, आई नीचे चतुर्भुज है यहीं आ जाएगा, आई लड्डू है मतलब वृत्त है से ऊपर आ जाएगा, तो देखो वृत्त ऊपर छठभुज इन्ने, वृत्त ऊपर छठभुज नहीं है, वृत्त ऊपर छठभुज है, वृत्त ऊपर छठभुज है, वृत्त नहीं है, तो एक आ चार तो गलती हो गया, बच गया दो और तीन, तो अभी तक ई दोनों तो है, अच्छा वृत्त ऊपर गया आई छठभुज यहाँ आया, तो ई वाला वृत्त कहाँ आएगा, नीचे आएगा,
वृत्त कर रहा है, वाला त्रिभुज कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो देखो त्रिभुज तो ए में नीचे त्रिभुज नहीं ना है, तो ये भी गलती हो गया। अब देखो ये नाच के यहाँ चला आया, सही बात है, त्रिभुज नाच के नीचे आया, सही बात है। चतुर्भुज देखो इसके स्थान पर आ गया है, सही बात है। अभी वृत्त देखो ऊपर चला गया, ऊपर है, मतलब इस प्रक्रिया को क्लॉकवाइज में जिस तरह से इससे इसमें बदला, इससे इसमें बदला, उसी तरह इसको इसमें चेंज किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 चार गो लाइन है ना, तो इसमें भी चार गो लाइन है, इसमें भी चार गो लाइन है, तो इसमें भी पक्का चार गो लाइन होगा। लेकिन देखिए बउआ, ये जितने मुँह घुमा हुआ है वो नहीं मुँह है, यो तीर के मुँह घुमा हुआ है, ठीक है, वो नहीं मुँह है, तीर का मुँह घुमा हुआ है, तीर का मुँह घुमा हुआ है, मतलब यहाँ तक भी इसका भी तीर का मुँह इन मुँह घुमा लाएगा। लेकिन देखिए ये चार गो एक जोड़े है, अगला बॉक्स में जाते जाते एक गो इससे दूर भाग गया, अगला बॉक्स में जाते जाते हमारे दो गो दूर भाग गया, तो ई बॉक्स में आते आते पहले एक गो दूर भागा, तब दो गो दूर भागा, तो हमारे तीन गो दूर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तो चार गो साथ में था तो हमारे तीन गो साथ में बचा, हमारे दो गो साथ में बचा, तो हमारे कई गो साथ में बचेगा, एक गो, तो सिंगल एन्ने बच जाएगा बेचारा, एन्ने तीन गो भाग आएगा। तो देखो एमे एक है, एन्ने तीन गो भागल है, एन्ने तो आंसर क्या हो गया, एक। ये देखो अब आकृति, तीन आकृति आपस में जगह बदल रहे हैं, अब कैसे बदल रहे हैं, तो देखो ये जीरो है ना उड़ के आरी में आता है और धक्का दे देता है, जैसे जीरो एन्ने उड़ के आया, एक ढकेल दिया, तो देखिए त्रिभुज जस के तस है, चतुर्भुज जस के तस है, खाली जीरो उड़ के इधर चलाया है कि नहीं। फिर अगला में देखिए बउआ, अमरी फिर एन्ने फर्स्ट में त्रिभुज है, तो त्रिभुज उड़ के सबसे एन्ने आ गया, अब अमरी एक ढकेल दिया, तो देखिए जस के तस वर्ग है, जस के तस लड्डू है, मतलब रित है, जीरो है, जे कहिए। आ क्या हो रहा है कि पहला उड़ के एन्ने आ रहा है, इसको धक्का दे के एन्ने बढ़ा दे रहा है, फिर इन्ने वाला पहला उड़ के इन्ने आ रहा है धक्का दे के इन्ने, उसी तरह ई वाला जो बउआ है अमरी पहले ई ना है, तो उड़ के इन्ने आएगा, इसको ढकेल देगा, तो जीरो आई त्रिभुज तो रहबे करेगा, आ ई वाला खाली इन्ने चलेगा। तो देखो चतुर्भुज के इन्ने है, ए में नहीं है, ए में है, ए में नहीं है, ए में है, आ देखो जीरो त्रिभुज आई चतुर्भुज इन्ने आना चाहिए, तो जीरो से स्टार्ट हो त्रिभुज हो चतुर्भुज है, तो यह में ना, यह में तो जीरो से स्टार्ट नहीं है, अंतिम में चतुर्भुज है जरूर, लेकिन इस सेम टू सेम ना रहता जीरो त्रिभुज, देखो तो जीरो त्रिभुज नहीं ना है, जीरो त्रिभुज ये में है, तो देखो ये उड़ के आया, इसको धक्का दे दिया, तो ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। अभी तक क्या होता है, इन्ने वाला जस के तस रहा, खाली ई वाला दिशा बदला, फिर ई वाला जस के तस रहा, पहले वाला इन्ने चलाया, तो उसी तरह बउआ इन्ने वाला जस के तस खाली पहले वाला उड़ के इन्ने चलाएगा, तो देखो जीरो त्रिभुज आ गया कि ना चतुर्भुज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दो पहला आंसर हुआ। अब अगला हम लोग बात करते हैं, अच्छा सबके दिशा गड़बड़ा गया है का, सबको पलटना पड़ रहा है। देखिए अब इस सीरीज में क्वेश्चन है, देखिए जैसा ये त्रिभुज है बेल आइकन घंटी है, तो अगला भी बेले आइकन था, बेले आइकन था, लेकिन कंडीशन हो गया क्या, तो अगला में भी बेल आइकन था, सब में बेले आइकन है, लेकिन देखिए ये बेल आइकन रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट, अब बेल आइकन पूरा का पूरा रोटेट नहीं कर रहा है, इसके अंदर वाला भाग खाली रोटेट कर रहा है। देखो एगो था लड्डू, तो हमारी दो गो सर्कल बन गया, तो हमारी दो गो सर्कल है, तो यहाँ तीन गो सर्कल बना, तो उसी तरह अगला में चार गो बनेगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब सर्कल सब में अंदर वाला तो सेम बना, मतलब चलिए अब यह बच गया, अब एकरे नचाने से प्राप्त होगा। देखिए ई वाला उभरा हुआ एंगल पर था, तो अगला एंगल यहाँ आ गया, अगला में है ना, और फिर यहाँ से उड़ के अगला एंगल यहाँ आ रहा है क्लॉकवाइज में, तो बताइए फिर ये अपना जगह छोड़ के यहाँ आएगा कि ना अगला पिक्चर में। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो देखिए सादा था तो सादे है, सादा है तो यहाँ भी तो सादे ना रहेगा, ये रंग दिया है गोमुआ, तो गलत हो गया, तो आंसर कौन होगा, तीन हो जाएगा। देखो त्रिभुज के अंदर ऐसे ऐसे काटल है, अमरी चतुर्भुज के अंदर काटा है, तो अमरी पंचभुज बन रही, तो अगला बार कथे बन जाते, छः भुज बन जाएगा कि ना, तीन चार पाँच भुजा, तो अमरी छः भुजा, तो यहो में छः भुजा, यहो में छः भुजा, यहो में छः भुजा, यहो में छः भुजा। अब देखो अमरी ए साइड ऐसे ऐसे काटा है, तो इस बार एन्ने काट दिया ऐसे ऐसे, तो उसी तरह फिर इन्ने काट के छोड़ ले है, तो अगला बार में किन्ने काट देगा, इधर की तरफ काट देगा ना, ठीक है, पहले इधर काटा था तो दिशा बदला, अमरी फिर सेम छोड़ दिया है, तो फिर अमरी दिशा बदल देगा, तो इसका एक हो जाएगा आंसर।
मतलब एक रुक के दिशा बदल रहा है, ठीक है। हाँ ई कब होता, दू कब होता, जब ई यहाँ काटा हुआ था इधर तो इस बार इधर काटा, तो फिर अगला में इन्ने काट देता ना बउआ, तब जो है अगला में उधर काटता था, दू आंसर। लेकिन इन्ने छोड़ ले है तो पलट के देखो, लेफ्ट हाथ के तरफ है काटा हुआ, ये अगला पिक्चर में दाहिना हाथ की तरफ काटा है, तो इसी तरह इधर जो है दाहिना हाथ की तरफ है तो अगला में लेफ्ट हाथ की तरफ काटेगा कि नहीं, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक आंसर, अब देखो इसमें सब पिक्चर है यह आपस में पलट रहा है, देखो ये सीधा है तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में नच के 90 डिग्री ई बना, फिर 90 डिग्री अच्छा तो ई बना, तब 90 डिग्री बनेगा तो इन्ने में तीर बनेगा। देखो ए में नहीं है, ए में नहीं है, लेकिन दो और तीन में है ना ऑप्शन में, मतलब या तो दो होगा ना तो तीन होगा। अब देखिए ये दो गो जीरो यहाँ है तो घड़ी के दिशा में नच के यहाँ आ गया दो गो जीरो, फिर घड़ी के दिशा में नच के इन्ने आया, तो बता अमरी नीचे है तो घड़ी के दिशा में बच के ऊपर जाएगा कि ना, जैसे एक बजे है तो 5 बजा दिया ना इकोना में, अमरी 7 बजा दिया तो अमरी सीधे उड़ के ऊपर 11 बजा ना देगा, मतलब कहने का मतलब ये पिक्चर यहाँ आता है, ये पिक्चर उड़ के यहाँ आया, ये जीरो उड़ के यहाँ आया, चतुर्भुज उड़ के यहाँ आया, एक दूसरे का रोटेट हो रहा है, एक दूसरे का स्थान बदल रहा है घड़ी की दिशा में, तो उसी तरह तीर तो रहेगा, लेकिन ये जीरो नच के यहाँ आएगा, ये जीरो ऊपर चला जाएगा। देखो दो गो जीरो ऊपर है तो यहो में दो जीरो ऊपर है, यहो में दो जीरो ऊपर है, चतुर्भुज इन्ने घसका तो यहो में चतुर्भुज है, यहो में चतुर्भुज है। अब देखो ये जो जीरो है इसे नीचे वाला तो ए में जीरो है, लेकिन ए में जीरो नहीं ना है, में त्रिभुज है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, सेम छोड़ दिया है, आगे नहीं ना घस गया। देखो इसीलिए इसका आंसर नचाने पर 3 प्राप्त हुआ। अब देखो क्या हो रहा है कि इस तरह लाइन काटा हुआ, इस तरह लाइन काटा हुआ, लाइन काटा हुआ, तो अगला में भी सब में लाइन काट ले, चलिए 4 ऑप्शन ठीक है। एवं बॉल की संख्या देखिए, मैच उच होता है तो बॉल होता है ना बहुत सारा लगा हुआ लाइट, इसमें से 2 लाइन गायब हो गया, अगला वाला में फिर 2 तो खाली हुआ और 2 खाली हो गया, तो फिर यहाँ आते आते यो 2 बच चले, वह 2 उड़ के भाग जाएगा, बॉल फ्यूज हो जाएगा, तो बताइए सादा सादी बच जाएगा कि नहीं बचेगा, जैसे 2 लाइन फ्यूज कर गया और 2 और फ्यूज कर गया, तो फिर 2 और बचल को फ्यूज कर जाएगा अगला आते आते भाग, ठीक है, 2 क्या हुआ समझ। अब देखिए ये चम्मच के कैटेगरी जो है एंटी क्लॉक वाइज में नचा तो इसे आया 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री नचा तो ऐसे आया, तो अमरी ऐसे कोना कोनी आएगा कि ना चम्मच, तो यहो में एक में है और 4 में है, तो ये 2 तो गलती हो गया। अब देखो ये प्लस यहाँ है क्लॉक वाइज में नच के अगला में यहाँ आ गया ये कोना, तो अमरी हियाँ नीचे आ गया, तो बता अमरी ए साइड आएगा कि नहीं प्लस, तो देखो ए में प्लस है और ए में माइनस ना दे दिया तो गलती है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाए। देखो 2 लाइन था हियाँ आते आते ऐसे करके 3 लाइन हो गया, फिर हियाँ से 3 लाइन है बउआ, जैसे 2 लाइन था तो 3 लाइन हुआ, अमरी 4 लाइन हो गया, तो फिर ऐसे कट के 5 लाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ बनल है कि ना ऑप्शन नंबर 3 में। देखो देखो वृत्त के अंदर जो है डाइस है, डाइस है तो डाइस के एक ऊपर दिख रहा है तो 2 नीचे है, और 3 ऊपर हुआ तो फिर 4 नीचे बनेगा कि ना, 4 अमरी डाइस में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आया, तो अमरी 4 आने के बारी है, लेकिन 4 ऊपर नहीं दिख के नीचे की तरफ दिखना चाहिए, देखिए देखिए छक्का गोटी, यहो में 4 दिखा, यहो में 4 दिखा, तो देखो पहले ऊपर की दिशा दिखता है तब नीचे की दिशा में, तो अब ऊपर की दिशा में तो अमरी नीचे की दिशा में ना दिखेगा श्रृंखला में, तो देखो यह है ना 4 ऑप्शन में, न तो 3 न लिख दीजिएगा, 1 2 3 आ कहिएगा 4 बिंदु तो लीजिए 3 आंसर, तो हो जाएगा गलती, ऊपर की तरफ पहले डाइस में 1 दिखा तो 2 नीचे की तरफ दिखा, अब ऊपर की तरफ 3 तो फिर 4 नीचे की तरफ दिखेगा ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें है ना 3 एन या 4 एन, तो देखो हियाँ आते आते एन से भी एगो गायब हो जा रहा है, इधर से भी एगो गायब हो गया, फिर हियाँ आते आते एन से भी एगो गायब हो गया, फिर एन से भी एगो गायब हो गया, अब हियाँ आते आते ये एगो बचल, ये गायब हो जाएगा, एन भी एगो गायब, तो अकेले ये ना बचेगा खाली, देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, नहीं समझा, ये 4 लाइन है जिसमें से एगो गायब हुआ तो 3 लाइन हुआ, अमरी 2 हुआ तो अमरी एगो लाइन बचेगा, तो ई में बचल है, एहो में बचल है, एन 3 है तो 2 हुआ, एगो हुआ तो अमरी साफे ना खत्म हो जाएगा, तो ये देखिए ऑप्शन 1 आंसर। देखो ये ऐसे बनाया हुआ है षष्ठकोण का, ये इसको ऐसे बना कैसे काटा हुआ है, एंटी क्लॉक में 90 डिग्री घुमा तो बैलेंस में आ गया कोना से, तो लाइन पर फिर 90 डिग्री
90 करो, 45 डिग्री घुमा सेम आधा घर तो ऐसा होगा। तो बताइए हमारे आधा घर तो ऐसा ऐसे हो जाएगा कि ना ढोलक के आकार में। 45 डिग्री अगर घुमा रहे हैं एंटी क्लॉक बाज में, एंटी क्लॉक बाज में, एंटी क्लॉक बाज में घुमाएंगे तो देखो तो इनमें से तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ऐसा ढोलक की तरह हो जाए। तो ये में चारों ऑप्शन क्या गलती है, ठीक है और ऑप्शन देख लेते हैं 45 डिग्री छोड़ के और कोई विकल्प है तो। मान लो ये कोना में ऐसे है, इधर की तरफ नच गया 135 तो यहाँ आया। अब मान लो यहाँ से 90 या 45 135 नचा तो यहाँ कोना आया, तो यहाँ से 90 यहाँ तो कोना ऊपर की तरफ आना चाहिए। ओ देखो 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 यहाँ है ना गलती नहीं है, जैसे ढोलक क्या कारी नहीं बनाई, जैसे यहाँ था तो 45 डिग्री घुमा तो ये बना, फिर यहाँ से 45 डिग्री ये घुमा तो 45 डिग्री इन्ने में घूम जाएगा तो नहीं बनेगा। जैसे लाइन देखो क्रॉस ऐसे है, 45 डिग्री घुमा तो ये बना, अमरी इस तरह से है तो अमरी 45 डिग्री घुमाएगा तो लाइन सीधा सीधी काटेगा कि नहीं, तो ऑप्शन चार में ना है, ठीक है। अभी देख रहे थे कि ऐसा ढोलक है सामने बन जाएगा, तो ढोलक बना ना जूम कर दिया है जो गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा फिगर है बड़ा फिगर है तो उससे मतलब नहीं रखना है, सीधे देखना है कि 45 घुमाए इस तरह, 45 घुमाए इस तरह, हमारी 45 घुमाए एंटी क्लॉक वाइज में, तो ये है चार है इसका आंसर, ठीक है गलत नहीं है। चलिए इसको रोटेट कर देते हैं। अब देखो अब इस तरह से आकृति दिया हुआ है, हाथ पैर वाला है ना, यहाँ इसका गर्दन दिख रहा है, इसमें गायब है, इसमें गायब है, हो सकता है इसमें दिखियो जाए चाहे गायबे रहे। तो देखो पहले गर्दन पहले एक पूरा पूरी आदमी था तो इसका हमारे नट्टी काट के हटा दिया गया, तो फिर इसका बच गया पैर हाथ, हाथ पैर, अमरी अगला आते आते हथवो काट दिया तो बच गया खाली पैर। तो बउआ समझिए गए ना, हम अले कर पैरों काट के भगाइए दो तो खाली बच गया इसका रीढ़ का हड्डी, क्यों मैं खाली रीढ़ का हड्डी, एक आंसर हो गया कि नहीं, नहीं समझा। पूरा कंप्लीट अति था, बिजुका था, इसको बिजुका बोलिए, खेत में बिजुका रहता है ना, तो कोई लड़का इसका जो गर्दन पर जो घैला पहनले रहता है, टीका चंदन लगा के आँखों को बनाने रहता है, कोई लड़का आया घैला लेके खेलने भाग गया। अब उसके बाद कोई लड़का आया अगला बार में तो इसका हाथ वाला जो है एक खोल के रस्सी खोल के लेके भाग गया होगा, देखा अरे अभी भी खड़ा है, तो कोई और लड़का के कर पैरवा बचल हुआ खोल के भाग गया, तो खाली ये बच जाएगा, समझ गया ना। सीरीज ऐसे पहले ये गायब हुआ अब ये गायब हुआ, तो बचल को के गायब कर दीजिए सीरीज में, तो एक आंसर होगी। देखो ये है यहाँ तीर क्लॉक बाज में घूम के यहाँ आया 45 डिग्री, और 45 डिग्री घूम के यहाँ आया था हाफ, मतलब 45 मतलब यहाँ घूम के ये कोना पर आएगा तीर, तो देखो यहो में कोना पर तीर है, यहो में कोना पर तीर है। अब देखो ये क्या हो रहा है कि नच रहा है जैसे जैसे, तो ये हो रहा है कि ये सामने आया फिर आगे आया तो अमरी फिर अंतिम में आ जाएगा। देखो ये नीचे की तरफ इन्हें घसक रहा है फिर और घसका तो फिर शुरू में चला आएगा, मतलब नीचे की तरफ से शुरू में आ ये चल जाएगा अंतिम में। अब गर्दन तन है तो गर्दन तन से हटेगा ना, तो देखो ये गर्दन तन छोड़ दे तो गलत बात ना है, तो देखो ये में गर्दन से दूर है आ ये दूर है तब गर्दन तन चला आएगा, तो ऑप्शन नंबर का आंसर चार। अरे गर्दन तन था तो दूर हुआ और दूर हुआ तो अमरी निकट हो जाएगा, आ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है फिर आगे और खसका था और आगे खसकाइए तो यहाँ थोड़ा ही आएगा, इधर ना चला आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया चार आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये 45 डिग्री सीधे पिक्चर के लिए 45 डिग्री घुमाया तो ये आया, फिर 45 डिग्री क्लॉक बाज में घुमाया तो ये तो अमरी 45 डिग्री में घुमाएगा तो कौन आएगा, देखो ऑप्शन नंबर ये है कि ना एक के गुना है, दो गो तीर वाला तनका इन्ने घुमाए तो ये कोना में अमरी सीधा हो गया तो अमरी ये कोना में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो देखो यहाँ है ना दो नंबर, देखो ये भी लाइन के सीधे पकड़ के 45 डिग्री घुमाया तो ये आया क्लॉक वाइज में, फिर 45 डिग्री घुमाया तो ऐसे बन गया तो अमरी ऐसे सर्कल ऐसे पैरल लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ऐसे के में है एक के गो में है, यहो में है यहो में है, लेकिन देखो बउआ ये तिरछा काटले था तो अमरी सीधा हो गया, फिर तिरछा काट ले है तो अमरी ये सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डॉट डॉट वाला के देखिए, डॉट डॉट वाला के देखिए, डॉट डॉट वाला के देखिए, तिरछा है
तो 45 डिग्री घुमा तो सीधा हो गया, फिर हमारी कोना से तिरछा है तो फिर 45 डिग्री और घुमाएगा तो सीधा हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों में ऐसे है, लेकिन ये ऐसे छोड़ दिया है, गलत ना है। ये कोना छोड़ के यहाँ आया, ये कोना छोड़ के यहाँ आया, क्लॉक वाइज में नच रहा है तो ये कोना छोड़ के यहाँ ना आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा सही, 3। काहे कि दोनों में ऐसे था पैरेलल, 3 हो गया। पूरे नचाना था ना पिक्चर को, पूरे पिक्चर के नचाइएगा तो आराम से ऐसा बन जाएगा। चाहे पिक्चर पन्निक पर बना लीजिए एकरा, आ 45 डिग्री धक के क्लॉक वाइज में नचाइए तो ये बनेगा, फिर 45 डिग्री आधा घर घुमाइए तो ये बनेगा, फिर घुमा दीजिएगा 45 डिग्री तो ऐसा बन जाएगा पिक्चर। अब देखो ये स्टार 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 तो सब में स्टार है ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा ये रंगे वाला के में कहाँ निकले, तो देखो ये रंग ना ये घर छोड़ के अगला में रंग रहा है, एगो बॉक्स छोड़ के अगला रंग रहा है, फिर हियाँ से अगला में देखे कि फिर ई वाला छोड़ के अगला में रंगा एक छोड़ के, तो बताओ अगला बॉक्स में रंगने के लिए तो फिर ई छोड़ के ए में रंग देगा कि नहीं रंग देगा। देखो कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है ना ई 2 में, तो 2 आंसर होगी। अब देखो यो रंगा हुआ है तो सब में रंगा हुआ है, मतलब सब अभी तक तो ठीक है। अब देखो ई प्लस यहाँ से लाइन काट ले है, अब क्लॉक वाइज में एंटी क्लॉक वाइज में उल्टा दिशा में नच के 45 इतने काट दिया, फिर उल्टा नचा तो सीधा काटा, तो फिर उल्टा नचेगा तो अमरी एन 11 की तरफ से ऐसे ऐसे काट देगा कि नहीं काट देगा। तो देखो तो क्या में काट ले, ए में काट ले है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। अभी देखो ये पिक्चर के पूरे 90 घर 90 डिग्री घुमाता है तो ऐसा बना, मतलब खड़ी रेखा है तो अमरी परी बन गया लाइन, अमरी फिर खड़ी है तो अमरी फिर परी बन जाएगा। परी का मतलब हॉरिजॉन्टल, पहले ये अथी पैरेलल कर परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल हुआ, तो हमारी परपेंडिकुलर है तो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें भी है, ऑप्शन इसमें भी है, कहने का मतलब 90 डिग्री घुमाया तो ऐसा मिला, फिर 90 डिग्री घुमाया तैसा, तो फिर 90 डिग्री घुमाएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अंदर देखिए पहले एको गो लाइन ना काटल था, तो अगला बॉक्स में जाके एगो काटा तो हमारी 2 गो काटा, तो हमारी 3 गो लाइन काटेगा कि नहीं काटेगा। तो परी रेखा भी होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए और 3 गो काटे। तो देखो देखो इसमें 2 गो काटले है, आई तीसरा में आधे लाइन आधा काट रहा है, तो पूरा ना काट रहा है, तो 3 गो लाइन इसमें नहीं है। देखो इसमें 1, 2 और तीसरा के आधे लाइन दे ले तो गलती ना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 गो लाइने में है, देखो 1 गो 2 गो 3 गो ना। अब देखो ये है पूरा का पूरा वर्ग, इसका 1/4 भाग गायब हो गया, और फिर 1/4 भाग यहाँ से यो था वो उड़ गया, तो और 1/4 उड़ा देगा तो ये साफे आधा हो जाएगा, तो एक आधा कौन रख रहा है, यह ना नहीं समझा। एकरा 4 भाग में तुम बांटेगा ना, तो इतना चॉकलेट चुरा के भाग गया, फिर इतना चॉकलेट तू तोड़ के भाग गया, तो फिर बचलका में से इतना चॉकलेट आधा तोड़ के भाग जाएगा, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसे समझ जा। अब देखो ये गुना है तो प्लस बन गया, ये गुना है तो हमारे क्या बनेगा प्लस, तो गुना वाला तो गलती हो गया, या तो 1 होगा ना तो 4 होगा। अब कहानी देखो ये तीर इस तरफ है तो प्लस बना है तो इन्ने तीर लगाया है, फिर गुना बना है तो ऊपर तीर, मतलब क्या हो रहा है कि ये पूरे के पूरे पिक्चरे के पलट रहा है, पूरे के पूरे पिक्चर को रोटेट करा रहा है, इसके अंदर के प्लस भाग आपको चेंज नहीं किया है। जब इसको 45 डिग्री घुमाइएगा ना तो ये बनेगा, उसी तरह इसको 45 डिग्री घुमाए तो ये बना एंटी क्लॉक में, तो उसी तरह इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो प्लस बनेगा, तीर ऊपर आएगा, तो इसमें भी तीर ऊपर है, अंतिम वाला में भी तीर ऊपर है। लेकिन देखो इसके ना बायां हाथ की तरफ भाग है, इसके ना बायां हाथ की तरफ भाग है, इसके ना बायां हाथ की तरफ भाग है, तो यहाँ भी जो तीर बना इसके बायां हाथ की तरफ भागे ना आएगा। तो देखो तो बउआ तीर तो यहो में है यहो में, लेकिन इसमें भाग ना माइनस दे लेते, गलत बात ना है, बायां हाथ की तरफ क्या आना चाहिए। हाँ तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब सेम पिक्चर खाली इसको नचा दिया, खाली इसको एंटी क्लॉक में नचा दिया, तो ये आ गया। सब के सब दिशा बदले हुए का है। चलिए अब देखो ई लाइन में क्या हो रहा है ना कि एक गो आगे वाला के खा जा रहा है, जैसे 1, 2, 3 गो बचा हुआ था ना, तो हियाँ आते आते देखिए 2 गो लाइन बचा ना है, अमरी हियाँ आते आते फिर एगो खा गया तो एगो बचा ना, तो अमरी आते आते एकरो खा जाएगा तो साफे खत्म हो जाएगा, सीधे ही बचेगा। तो देखो तो अच्छा सीधे बचेगा, लेकिन लाइने में ना टच करके रहेगा, लाइने में टच करके रहेगा, ये लाइन से बाहर कर दिया, ये छोड़िए देले है। लेकिन देखिए बउआ इधर 1, 2, 3, 4 गो है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 गो ना है, 1, 2, 3, 4 गो ना घुमावदार है। तो देखो
ऐसा बनेगा जरूर, तो में तीने गो है तो गलती हो गया, यहाँ लाइन छोड़ दिया गलत है, तो या तो ये होगा ना तो ये होगा। तो देखो ये लाइन के बाहर थोड़ा चला जाएगा, खा रहा है अगला में जाकर टच हो रहा है, तो ये खा रहा है तो अगला में जाकर टच हुआ, तो खा रहा है तो अगला में बढ़ जाएगा। तो देखो एक दो तीन चार, अब ये भी है आ ये भी है ऑप्शन में, दो गो तो गलत हो गया। अब यहाँ समस्या पैदा करेगा, ठीक है। तो देखिए तो ये इतना को था तो इससे बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ, तो हमारी इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीका से चांद है, मतलब अगला में भी चांद है, तो चारों ऑप्शन में चांद है। देखो एगो था हमारी तीन गो हो गया, और फिर तीन गो है, तो अगला में या तो चार होगा ना तो तीन होगा। लेकिन देखो ये वो लाइन यहाँ पे कटा हुआ है, अगला में एक दो तीन ये तीन गो था। देखो तो एक बार जीरो के संख्या दो बढ़ाया है कि नहीं, जैसे चांद जैसा था तैसे रहने दिया है, फिर वैसा ही है। लेकिन देखो अमेरिका क्या है, एगो जीरो था तो अगला वाला में दो गो जीरो बढ़ा दिया ना, अगला बारा में जीरो के संख्या समान रखा है लेकिन दो गो लाइन बढ़ा दिया है। तो बताओ बुआ अगला घर में तिर एक चांद बनाएगा, आधा सूरज बनाएगा, लेकिन इसमें जीरो के संख्या बढ़ाया है दो गो, इसमें लाइन के संख्या दो गो ऐसे ऐसे एंटीना निकाल दिया है, तो अगला वाला में अब लाइन के संख्या न बना के केकरा बढ़ाएगा, जीरो के संख्या दो गो। तो देखो तीन गो है, दो गो और जीरो बढ़ा देगा तो पाँच गो जीरो। तो देखो तो ये में तीन गो है, ये में पाँच गो, ये में तीन गो, ये में चार गो है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। जैसे यहाँ पहला घर में दो गो जीरो बढ़ाया, अगला वाला में दो गो लाइन बढ़ाया, तो पक्का फिर अमरी इसमें कथी बढ़ा देगा, दो गो जीरो बढ़ा देगा। पहले जीरो बढ़ाया लाइन बढ़ाया तो अमरी जीरो बढ़ा देगा, तो जीरो बढ़ाया तो पाँच गो ना हो गया, तीन गो पहले से, दो गो लड्डू और बढ़ा देवे तो ना हो गए पाँच गो। देखो ये अंदर वाला आकृति बाहर जाके आई अंदर गया तो तीन गो से चार गो बन गया, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम फिगर बाहर आ रहा है और ये बाहर वाला अंदर जाके ऐसा बन गया, मतलब नया रूप ले लिया। इसका मतलब बाहर के अंदर वाला हमेशा बाहर आ रहा है, अंदर वाला पिक्चर बाहर आ रहा है बड़ा होके, तो ये अंदर है वर्ग, तो बड़का बाहर वर्ग के इसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों ऑप्शन में बाहर वर्ग है। अब देखो तो ये अंदर आके नया कृति बना, फिर अंदर आके नया कृति बना, तो बताओ इसमें भी अगला बार में यहाँ के नया कृति बनेगा। तो देखो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज, इसमें दिया हुआ है वृत्त, इसमें दिया हुआ चतुर्भुज, इसमें दिया हुआ पंचभुज। देखो नया कृति त्रिभुज इनने कहे न कहे प्रयोग हो गए है, जीरो कहे न कहे प्रयोग हो गए है, चतुर्भुज सेम सेम कैसे रहेगा भाई, तो इसीलिए इसका पिक्चर नया कृति बन के कह हो गया 26 का, 26 का आप चार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग खोज सकते हैं, ठीक है। तो आप कई नंबर क्वेश्चन में थे, 26 नंबर का आप चार कह सकते हैं, कोई तकलीफ किसी को नहीं होती। अब देखो ये पिक्चर है एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के ऐसा बनाया, मतलब इनने मुँह मुँह खुला, इस बार नीचे की तरफ, इस बार इधर है तो इस बार ऊपर की तरफ मुँह खुलेगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो नंबर तो गलती हो गया। अंदर प्लस था तो यहाँ गुना बन गया, फिर प्लस है तो हमारी क्या बनेगा, गुना। तो देखो एक एक ऑप्शन में गुना बनल है, बाकी में प्लस प्लस जीरो है, तो यह आंसर ना हो जाएगा। यहाँ नया आकृति बन रहा है देखो, तो यहाँ नया रूप ही ले लिया, मेन इतने से ऊपर की तरफ है आ प्लस से गुना हुआ, गुना से प्लस हुआ, तो प्लस से फिर क्या बनेगा, गुना, एक आंसर। अभी देखो ये क्या है, ये है ईसा मसीह वाला ना, चलिए घर देखो, छ भुजा में है अमरी, पांच भुजा में होगी अमरी, चार भुजा है तो अमरी तीन भुजा में होगा कि नहीं होगा, तो इसमें बाहर तीन भुजा नहीं है, इसमें तीन भुजा नहीं है, इसमें भी तीन भुजा नहीं है, इसमें तीन भुजा है, तो यह आंसर हो गई। ये यहाँ लड्डू था तनका खसक के घर में आ गया, अमरी फिर बाहर है तो तनका खसक के यहाँ घर में आ जाएगा कि नहीं, तो त्रिभुज में भी है ईसा मसीह के यहाँ भी है बिंदु, है कि नहीं,
मेन यही से पकड़ा गया कि छह भुजा से घेरा हुआ था तब पांच भुजा होगा, अब चार भुजा होगा तो हमारे कै भुजा होगा, तीन भुजा। तो तीन भुजा से एक गो पिक्चर घेरल था, तखन ये आंसर हो गया। ये जीरो देखो एक घर छोड़ के दूसरा घर में क्लॉक वाइज बढ़ के आया ना, फिर यहाँ एक घर छोड़ के यहाँ आया ना, तो हमारी बताओ अगला कृति में फिर ई घर छोड़ के यहाँ आ जाएगा कि ना क्लॉक वाइज में। तो ई कोना में देखो तो लड्डू के में है, ए में ना है, ए में ना है, ए में है, ए में है, मतलब तीन में भी है और चार में भी है। अब स्टार के देखो, ये स्टार घड़ी के उल्टा दिशा में, जैसे दो बज रहा है तो बारह बज गया। तो देखो एक घर छोड़ के यहाँ आया ना, फिर ई एक घर छोड़ के यहाँ आया ना, तो उसी तरह एक घर यहाँ छोड़ के यहाँ आएगा ना स्टार। तो देखो यहाँ स्टार के में है, ए में है कि ए में है, तो देखो ए में ना है, यहाँ ई घर तो छोड़ देना था इसको, स्टार को यहाँ आना था। तो देखो आई ई गुमगा ए में बना दिया तो गलत है, ई घर तो छोड़ ना देना था ई कोना, देखो ई कोना छोड़ के यहाँ आना था, तो इसीलिए तीन आंसर हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये अंदर वाला कृति बाहर आ रहा है, फिर अंदर वाला कृति बाहर आ रहा है, तो बताओ अंदर वाला त्रिभुज बाहर आएगा, तो एहो में है, एहो में है, एहो में, एहो में त्रिभुज है। अब बाहर वाला कृति अंदर जाके नया कृति ले रहा है रूप, फिर बाहर वाला अंदर जाके नया कृति का रूप लिया, तो फिर बाहर वाला अंदर आके क्या होगा, नया कृति का रूप लेगा। लेकिन देखो तुम जब ध्यान से देखोगे तो इसमें सब रिप्टेड हुआ हुआ है ना, बाहर गया। अच्छा देखो ये बाहर गया चतुर्भुज, तो ये त्रिभुज के लिए लंदन क्या बना, जीरो, जीरो बना ना, उसके बाद तो यहां ये बाहर, तो त्रिभुज बाहर, तो सब में त्रिभुज बाहर है। तो ये इतना तो निश्चित हो गया कि बाहर वाला आकृति अंदर जाके चेंज हो जा रहा है, बाहर वाला आकृति अंदर जाके चेंज हो रहा है, तो बाहर वाला में जीरो दे दिया है, तो जीरो तो होगा नहीं कहियो, है कि नहीं। आ त्रिभुज भी दे दिया है, तो त्रिभुज त्रिभुज देखो अंदर बाहर अलग अलग, अंदर बाहर अलग अलग, अंदर बाहर अलग अलग के आकृति है, एमें सेम सेम आकृति, तो यह गलती हो गया। तो ऑप्शन चार तो होने, एक तो होने को नहीं है, चार भी नहीं होगा, बच गया दो और तीन। तो देखिए जब भी बन रहा है ना, तो इसका एक जो है सर्कल जो है केंद्र जो है पूरा छेक रहा है, देखिए केंद्र जो है पूरा रूप से, हर रूप से नहीं ना छेक रहा है, उस हिसाब से इसको बड़ा करते से दो आंसर कर दीजिए, ठीक है। ये देखो डी को एंटी क्लॉक वाइज में घुमाया, नीचे वाला डी के परत गायब कर दिया, फिर एंटी क्लॉक वाइज में घुमाया तो इन्ने वाला परत गायब कर दिया। तो पहले गायब किया था इधर वाला परत, तो इस बार गायब किया है इधर वाला परत, तो अमरी गायब कर देगा एंटी क्लॉक वाइज में, सी घुमाएगा और ऊपर वाला सी गायब कर देगा, तो नीचे मुँह सी के में बनल है चार में, तो इकतीस के कै हो जाएगा, इकतीस का चार हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, डी को एंटी क्लॉक बोलिए चाहे क्लॉक वाइज बोलिए, तो क्लॉक वाइज में घुमा तो ऐसा डी बना, नीचे वाला परत गायब किया, तो इस बार घुमाया एंटी क्लॉक वाइज में इस तरह, तो ई वाला इन्ने वाला परत गायब किया, तो इस बार भी एंटी क्लॉक वाइज में घुमाएगा तो ऊपर वाला परत गायब करेगा, इसका आंसर चार होगा, अगर आंसर तीन है तो गलती है। देखो ई सेम टू सेम छोड़ा है, आई तीन गो है, तो क्या करा, ई पिक्चर का पलट का ऐसा बना दिया, सीधे पलट दिया है, तो बताओ ई पिक्चर ऐसे है तो इसको पलट देगा सीधे, बिंदु के दिशा आपस में बदल लेगा, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तीन गो। अच्छा देखो हमें बिंदु के दूरी दे दिया, 32 के बिंदु में दूरी बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो यह ध्यान रखिएगा, टच किया हुआ है, टच किया हुआ है, तो यहाँ पे टच किया होना होना चाहिए, तो ज़्यादा समय पर तो ज़्यादा चांस है चार का, तो इसका चार आंसर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे बड़ा पिक्चर था तो छोटा पिक्चर नहीं हो गया, तो बड़ा बड़ा लड्डू है तो बड़े बड़े लड्डू नहीं ना रहेगा, छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका चार आंसर हो गया। आंसर तीन भी हो सकता था, चार भी हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ बड़ा पिक्चर आया था, वर्ग था, तो छोटा नहीं बन गया, तो उसी तरह बड़ा है वृत्त, तो यहाँ सेम टू सेम नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो चार आंसर, क्योंकि सीरीज का फॉलो कराना है पूरा ना। अब हम बात करते हैं 35 पर।
35 अभी बचले हैं ना 33। देखिए ये चतुर्भुज ऐसा बना आई जीरो नीचे आ गया, फिर जीरो ऊपर गया तो इस बार जीरो नीचे आएगा, तो जीरो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये जैसा था वैसा ही बना, तो ये जैसा वैसा ही टैबलेट छोटा होकर बन जाएगा कि नहीं हो बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। देखो ई वाला आकृति ऐसा घूम के ऐसा बना, 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाए, फिर 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाए इसे, तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज तो पैरेलल बनेगा, तो या तो 2 होगा ना तो 3 होगा। अब देखो ई कोना में रंगा हुआ था, जब घुमाए तो इसमें खाली कर दिया ये साइड, फिर घुमाए तो ई सामने वाला में भी लाया, तो इस बार इधर क्या कर देगा, खाली कर देगा। जैसे ई आकृति में दिया हुआ था तो सीधा लाइन होके ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, फिर सीधा हुआ तो एक आकृति में दिया हुआ था लाइन, तो इस बार भी सीधा जब होगा तो समझ ही गए होंगे खाली हो जाएगा, तो इसमें 2 होगा ना आंसर। देखो ये त्रिभुज है तो यहाँ भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज रहने दिया, ये अंदर चतुर्भुज चल के सब एक दूसरे पर आ गया, उसी तरह चतुर्भुज है त्रिभुज से फिर चतुर्भुज हुआ, अब चतुर्भुज है तो फिर रिप्टेड दूधा हो रहा है, तो यह रिप्टेड होगा, तो रिप्टेड होगा लेकिन ये एक दूसरे पर पैरेलल आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आंसर 4। देखो इस तरीका से है, नीचे रंगा हुआ बड़ा जूम हुआ पिक्चर है, ऊपर पलट दिया, इसको पलट दिया, तो इसी तरह ये है तो बड़ा होगा जरूर लेकिन पलट के ऊपर वाला भाग रंग देगा, तो देखिए बड़ा हुआ जरूर लेकिन जो खाली भाग था ऊपर रंग दिया, तो आंसर ही हो गया। देखो ये है ना, तो ई लाइन के इसको नीचे खसका दिया, ई लाइन को ऊपर ले गया, तो ऐसा बना ना, तो उसी तरह 4 बिंदु के नीचे खसका देगा, ई लाइन को ऊपर ले जाएगा, देखो है ना ऑप्शन 4 में आंसर। अब देखो ये क्या किया है, इसको थोड़ा सा इधर खसकाया है, आई वाला के थोड़ा सा इधर खसकाया, तो ये बना है, तो थोड़ा इधर लाया इसको इधर किया, तो उसी तरह इसको थोड़ा इधर करेगा थोड़ा इधर ले जाएगा, तो पिक्चर बात ऐसे ही ना रहेगा, पिक्चर बदल थोड़ा जाएगा, नीचे की तरफ है तीर, नीचे की तरफ तीर है, तो तीर नीचे की तरफ है, तो तीर लाइन के जरूरत नीचे की तरफ ना रहेगा। देखो ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, अब बच गया 3 न तो 4। देखो इस तरह यू लिखल था तो इसी तरह यू है, इस तरह यू लिखल है तो इसी तरह यू है, तो इस तरह सी लिखा हुआ है, इस तरह सी लिखा हुआ है, तो सी एन एन होगा जरूर लेकिन एक आकृति में मॉडिफाई चेंज नहीं ना आ सकता है, तो इसलिए 3 आंसर होगा, ये हल्का एन एन घसक के ना रह गया 3। देखो क्या हो रहा है, जो पूरा लाइन से दिया हुआ त्रिभुज बाहर जा रहा है, डॉट वाला त्रिभुज बाहर वाला अंदर चला गया, तो उसी तरह डॉट वाला जो बाहर में विरित है वो अंदर चलाएगा, अंदर जो लाइन वाला है वो बाहर चल जाएगा, तो देखो लाइन वाला बाहर आ गया, डॉट वाला अंदर आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक आंसर सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी है। देखो 1 2 3 4 गो लाइन काटा हुआ है ना सीढ़ी में, तो अमरी हो गया 1 2 3 4 5 गो, अमरी हो गया 1 2 3 4 5 6 गो, तो अमरी वाला सीढ़ी में क्या होगा 7 गो, तो देखो 1 2 3 4 5 गो गलत है, ये 4 गो है गलत है, ये 2 गो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 बच गया, 3 ना आंसर होगा। और देखो बिंदु तो हियाँ के हियाँ है, हियाँ के हियाँ, हियाँ के हियाँ है, तो इसमें भी हियाँ के हियाँ ना रहेगा। सीढ़ी के संख्या 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से क्या हो गया सीढ़ी की संख्या 7 हो गया, तो 7 में ऑप्शन नंबर 3 आंसर। प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ में सब में प्लस है, ठीक है, जीरो एकदा नीचे है तो एकदा नीचे छोड़ा, तो एकदा ऊपर है जीरो तो एकदा ऊपर जीरो छोड़ देगा। प्लस में एक और बात देखो, जीरो छोड़ा जरूर है लेकिन आगे तीर भी बना दिया है, तो ऊपर अगला में ऐसे पिक्चर बना के जीरो छोड़ेगा यहाँ जरूर लेकिन नीचे तीर बना देगा, देखो जीरो छोड़ के नीचे तीर बना दिया ना, पहला आंसर क्या हो गया 41 का आंसर 4 हो गया, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हुआ होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो एगो है तो 2 गो लाइन बन गया, उसके बाद फिर सीधा होके एगो बना, तब फिर तो 45 डिग्री, मतलब यहाँ से एगो था तो 2 गो बना, फिर 45 डिग्री सीधा हुआ तो एगो, तो फिर यहाँ आपस में 2 गो बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, मतलब 42 का आपका आंसर 3 हो गया, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब 43 पर बात करते हैं, एगो था 2 गो हुआ, एगो है तो तीर वाला 2 गो हुआ, तो जीरो है तो जीरो वाला 2 गो कौन होगा, आई ऊपर है एगो तो अमरी नया बना है तो नीचे की तरफ एगो तीर बना दिया, तो बताए एगो ऊपर की तरफ लड्डू रहेगा एगो नीचे की तरफ लड्डू रहेगा, आज सादा है तो सादे ना रहेगा, तो रंग दिया गलती है, रंग दिया गलती है, आई तो कैसे बना दिया भाई,
सीधा है, सीधा है तो सीधा है तो सीधे ना बनता है। तो ऑप्शन नंबर चार आंसर हो गया कि नहीं। देखो दो गो वृत्त है ना तो तीन गो वृत्त हो गया, उसी तरह दो गो फिर बन गया तो दो तीन दो तो फिर तीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तब वृत्त तीन गो था तब वृत्त दो गो था तीन गो वृत्त बना। तो वर्ग जो है चतुर्भुज जो है दो गो है तो तीन गो यहाँ पे बन जाएगा कि ना। तो ऑप्शन नंबर क है तीन। देखो सेम टू सेम है खाली यहाँ एगो लड्डू बढ़ गया तो इस तरह है तो इसी तरह सेम टू सेम रहेगा। यहाँ एगो लड्डू बढ़ा दो ब्लैक जामुन काला जामुन हो गया आंसर चार। अब देखो ये दो गो सर्कल है तो एगो सर्कल हो गया बड़ा सा, तो दो गो त्रिभुज है तो एगो त्रिभुज बड़ा सा होकर चार आंसर नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ से दो एक सर्कल ये फॉलो किया हम, ऐसे ना कि एक रिलेशन इससे तो एक रिलेशन इससे, ऐसे नहीं कह रहे हैं हम। हम कह रहे हैं कि दो से एगो हुआ फिर एगो से दो गो हुआ तो दो गो से कई गो हो जाएगा एगो, हम ये बात कहना चाह रहे हैं। तो सर्कल था तो एक ना सर्कल अब वृत्त त्रिभुज में बदला तो हमारी फिर त्रिभुजे रहेगा, अब आगे आके कोई नया कृति फिर बनेगा। तो फिलहाल यहाँ तक तो फुलफिल करने के लिए आराम से हो ही नहीं गया है, ठीक है। देखो ये ऐसा आकृति है ना तो आगे बन गया ऐसा, तो बताओ इसी तरह ये है तो ये पूरा का पूरा मिल के ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है और ऑप्शन और क्या हो सकता है, बेस ऐसा है तो ऐसा ही बेस रहा, ऐसा बेस है एंगल वाला तो ये में एक गो एंगल वाला बेस बचा हुआ है, एक गो बचा हुआ है तो इसलिए एक आंसर हो जाएगा 47 का। अगर और कोई रहता तो उस पर विचार करते। अब देखो ये ऐसा ही है लेकिन ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ तीर निकला हुआ, अब अंदर की तरफ तीर बंद हो गया तो यहाँ अंदर की तरफ तीर का मुँह ऐसे है तो अभी बाहर की तरफ ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर दो नहीं है। देखो तीर इन्ने मुँह है तब एक पलट दो एक इन्ने तो आ गया। देखो चतुर्भुज 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 तो चतुर्भुज एक लिखा एहो में है एहो में, तो या तो एक हो सकता है ना तो तीन हो सकता है क्योंकि बड़ा वाला था तो बड़ा वाला अमरी छोटा बन गया बेचारा तो अमरी एकदा और छोटे ना रहेगा। तो देखो है एक तीन में लेकिन जीरो एकदा नीचे है तो एकदा ऊपर हुआ फिर नीचे आया तो अमरी जीरो कहाँ होगा ऊपर है नीचे छोड़ दिया तो गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर तीन सही होगा कि नहीं। ये देखो क्या किया है एक तीर के इन्ने इन्ने निकाल दिया है एंटीना ना, तो उसी तरह इसने रहेगा जरूर दौटे वाला रहेगा जरूर लेकिन तीर अंदर बंद कर ले तो एंटीना बाहर की तरफ निकाल देगा ना। डॉट वाला में देखो एंटीना इधर निकाल ले है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आंसर का 50 का चार हो गया आंसर, ठीक है। हर बार हमारा दिशा बदलना पड़ता है। 51 देखिए अब साफ दिख रहा होगा ना। देखो ये छ गो पतिया है में पत्ती सब होते है ना पत्ता पत्ता, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच गो है तो दो गो गायब हो गया है, एगो यहाँ से गायब हुआ है एगो इन्ने से गायब हुआ है, ठीक है। लेकिन आकृति से में रहा ना उसी तरह ही हाथ निकाल ले है, ये काटा वाला पेड़ है राजस्थान में ऐसा पेड़ उगता होगा तो यहाँ में एक दो तीन चार पाँच गो है तो बउआ बताओ हियाँ से गायब कर लेते एक हियाँ वाला हाथ गायब कर देवे फिर हियाँ से गायब कर लेते एक ही हाथ गायब कर देवे तो देखता इतने दो गो इतने एगो के में हो ये फूल खिला रहा है गलती ना है ऐसा था तो ऐसने है तो ऐसा वाला है कंटैया वाला तो कंटैया वाला पेड़ ना होगा। देखो एमे तीन गो हुआ है जरूर लेकिन एगो ने साइड से गायब करता तो ये देखो तो ऊपर से गायब ना कर ले गलती है। देखो तो ये ऑप्शन नंबर तीन मिल गया, यहाँ वाला गायब किया था तो ये भी गायब होकर यहाँ सेम टू सेम रह गया, यहाँ वाला गायब किया था तो यहाँ वाला भी गायब कर दिया। देखो ये ऑप्शन नंबर इसमें है कि ना तीन नंबर। देखो अब इसको है ना तो ऐसा ही आकृति रहने दिया है लेकिन जो सादा भाग था उसका रंग दिया है और जो रंगा था उसका खाली कर दिया है, ठीक है। तो बताओ उसी तरह ये पर्स रहने देगा जरूर लेडीज पर्स ना लेकिन प्लस ए में देले है तो हमारी प्लस किन्ने दे देगा इन्ने इन्ने प्लस दे देगा ये दोनों के खाली कर देगा तो लेडीज पर्स भी बना रहेगा। देखो इन्ने खाली कर दिया इन्ने इन्ने प्लस दे दिया तो आंसर क्या हो गया चार हो गया, ठीक है। देखो फिर सेम फिगर रहने दिया हमारी ई रंगल है तो एक खाली कर दिया आ सादा है तो एक रंग दिया तो उसी तरह एक लेखा त्रिभुज रहने देगा जरूर लेकिन तीन गो लाइन कटा है इन्ने तो हमारी तीन गो लाइन इन्ने काट देगा जिन्हें न कटल है
देखो तो यह ना आंसर हो ना गया। अब तू कहेगा ये होता है तो नहीं, देखो जैसा ही था वैसा ही रहा, तो जैसा ही है तो वैसा ही एंगल ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो ये देखो तो ये तो एंगल नीचे निकाल दिया इसका, काटे घड़िया काटे घड़िया एंगल ऊपर ऊपर है दोनों, तो चार आंसर क्यों हुआ समझ गया। अब देखो ये एम बना हुआ है तो एम ए बनल है, तो बताओ डब्लू बनल है तो बनल रहेगा एम बन जाएगा, नहीं ना एम है तो अगला में भी एम बनल है, तमरी ई पलट के डब्लू बनल है तो हियाँ भी पलट के क्या बनल रहेगा डब्लू, लेकिन एकरा निचला वाला भाग के कट गया था एम बनल है, उभरा हुआ भाग कट गया था, उसी तरह इसका उभरा हुआ भाग इतने से काट देंगे डब्लू बना के। तो देखो एम बना है तो गलत बात, एम बना है गलत बात, यो डब्लू आ यो डब्लू, लेकिन पूरा गायब थोड़े कर देता है, थोड़ा गायब ना करता है, तो देखो तो डब्लू बनाया एगो लाइन के पूरे गायब कर देते, गलत है, तो उस इस श्रृंखला के फुलफिल करते हुए ये डब्लू आंसर हो जाएगा कि ना ये वाला। अब देखो ये है ऐसा पेटकटुआ है तो पेटकटुआ है तो गोल है चंदा मामा है तो गोले रहेगा। अब देखो ये वाला था तो इस बार बेचारा ये गायब होके ये अकेले बचिया, उसी तरह से चंदा मामा है तो गायब होके खाली एगो ये गोल का चंदा मामा बचेंगे, समझ गया था ये ऐसा चंदा मामा तो गलत बात है, गोलका है ऐसन थे तो ऐसने बचे, तो हियाँ गोलका है तो गोल के ना बचेंगे बीते ना बचेंगे, हो गया ते। अब देखो ये रॉकेट का कमाल, देखो इन्ने था तो ये सीधे पलट गया तो यहाँ ही आया, तो ये इन्ने है तो सीधे पलट जाएगा, तो ये तो ऐसे भी आप सोच लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे गलती भी हो जाएगा, सीरीज है तो तीनों से ना मतलब रखना है। तो देखो ये यहाँ से नच के एक घर नचता तो हियाँ आता, एक घर और नचा तो यहाँ आया, मतलब दो मतलब 180 डिग्री घूम के आ रहा है, 180 डिग्री इन्ने में नच गया, अमरी यहाँ से मात्र मात्र 90 डिग्री नचा है, तो एकदा 80 डिग्री नच रहा है एकदा 90 डिग्री नच रहा है, तो अमरी फिर यहाँ से तो एंटी क्लॉक वाइज में नचाइए तो ई आया, फिर एंटी क्लॉक वाइज में नचाइए 90 तो ई आया, तो एंटी क्लॉक वाइज में 180 घुमाइएगा तो यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ, तो आंसर कौन आ जाएगा, तो ये चार आंसर आए ठीक है। अभी पतिया है ना तो खाली पतिया के ई बच जाता है पत्ता के, आई जो सर्कल लेखा बनाया वो गायब हो जाता है, तो देखो ये कंटैया वाला पेड़ है ना तो ये कांटा ऐसे ऐसे रहेगा, लेकिन ये सर्कल खाली ऐसे ऐसे जो सर्कल जो गोल गोल घूमल ऐसे गायब हो जाएगा, तो गोल गोल घूमल गायब हो जाएगा उसमें कहाँ है, कौन ऑप्शन में है रे भाई, अरे कोई ऑप्शन में ना है। चलिए देखिए ए में गोल बना दिया गलत बात, गोल बना दिया गलत बात, गोल बना दिया है तो गलत बात है कि ना है, तो ये सब गलत है, आ ये कोई बच गया, हालांकि यह गलत है लेकिन फिर भी आप आंसर के तौर पर इसको लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 57 के आप चार ले लिख के चल दीजिए, क्योंकि सर्कल तो होना ही नहीं चाहिए था, सर्कल वाला भाग तो गायब हो गया था, सर्कल वाला भाग गायब हो गया तो ही ना होगा, लेकिन ये भी गलत है, सीधा सीधा लाइन ही आ दिले तो ही सीधे सीधे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा ठीक है। अब देखो ऐसा है तो यह आकृति के घुमा रहा है, तो ई कोना में था तो अमरी ई कोना की तरफ घूम गया, अमरी डायरेक्ट इतने चलाया, तो देखो पहले घुमाया एंटी क्लॉक वाइज में 90 डिग्री, अमरी जो है 180 डिग्री घुमाया है, तो 90 180 आ फिर 180 में 90 जोड़ देवा हो तो कितना होता है 270, मतलब कहे का मतलब पहले एक घर तब एक घर छोड़ के दो घर तो अमरी दो घर छोड़ के तीन घर घुमाबी, तो ये मुँह है तो एक घर छोड़बही तो ई घर छोड़ दे, दो घर छोड़बे तो ई घर छोड़ दे, जैसे देखो पहले एक घर पर बनाया अमरी जो है एक दूसरा घर पर बनाया तो अमरी तीसरा घर पर बनाती, तो ई घर छोड़ेगा एक घर तो ई घर छोड़ेगा दो घर तो तीसरा घर, मतलब इधर मुँह मुको में खुलल है एक में, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज में नचाए, ऐसे नचाएंगे इसको तीन दाए एक दो तीसरा बार, तो इन्ने की तरफ इसका ही, चलिए तो क्या हो गया आंसर 58-1, तो उस नियम से आ न तो यहाँ से देखिए यहाँ से इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो ये आया,
तो उसी तरह इसको यहाँ से 90 डिग्री घुमा दीजिए, तब का आंसर कौन आ जाएगा 4। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो या तो उसको छोड़ के निकल जाइए, कभी कभी 270 घुमाइले रहेगा। और बताइए सीरीज का मतलब क्या होता है कि जिस नियम से इसको लाए फिर इससे इसमें क्या परिवर्तन होगा, उसके बाद इससे इसमें क्या सादृश्यता थोड़ा है कि एकरा से ये में ही परिवर्तन तो एकरा से ये में ही परिवर्तन कर दिले आंसर हो गए। तो पूरा नियम देखते हुए इसका आंसर एक होगा, लेकिन गोमुआ है तो वो चारों दे सकता है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन छोड़ने में भलाई रहता है। देखो ये क्या हो रहा है कि ऐसा आकृति ना तो इसको जस्ट ऊपर की तरफ पलट दे रहा है दर्पण प्रतिबिंब, अब फिर नीचे की तरफ पलट दिया था ऐसे तो फिर ऊपर की तरफ पलट देगा तो ऐसा बन जाएगा कि ना बन जाएगा। तो देखो ये आंसर पहले नीचा रंगा है तब ऊपर वाला बेस रंगा है, तो फिर नीचे वाला रंगा है तो फिर ऊपर वाला बेस रंग देगा। देखो तो ना हो गया दो आंसर। सीरीज का नियम पालन करा रहा है तो ठीक, पालन नहीं करा रहा है तो गलती है। सर्कल में प्लस था अब माइनस बच गया, बस ये में प्लस है तो हमारी माइनस बचेगा, तो प्लस दिया गलती है, मैं कुछ ना दिया गलती है, ये या तो 4 होगा ना तो 1 होगा। अब देखो क्या हो रहा है कि प्लस हो के और उसके बाद ऊपर वाला में दाहिना साइड वाला खाली छोड़ देता है, एन्ने वाला में भी दाहिना साइड है, बाया साइड वाला के खत्म कर देता है। तो बताओ इसमें भी एगो माइनस एगो प्लस बचल रहेगा, आ सीधे सीधे सादा सादा दे दिया है तो गलत बात ना है। तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा 60 के क्या होगा 60 का। अब देखो 1, 2, 3, 4 गो है तो हमारी 2 गो हाथ इसका उड़ गया, 1, 2, 3, 4 गो था तब दुइये गो ना लाइन बचल है, तो उसी तरह एभो में भी 4 गो है तो ये 2 गो गुना वाला उड़ के प्लस बचेगा ना है 3 नंबर ऑप्शन में। अब देखो इसको सीधे पलट दिया तो ये बना, ये बिजुका जो है माथा पर ऐसा एंटीना निकाले एक पलट दीजिएगा नीचे की तरफ, मतलब ये वाटर प्रतिबिंब हो गए अब नीचे की तरफ पलटा, और फिर पलटा है जरूर और उसके बाद इन्ने घुमा दिया है तो अगला स्टेप में पलटेगा जरूर। तो बताइए ये एंटीना वाला ऐसा ना तो एक ऊपर में घुमाइएगा तो कितने कोना में है 4 नंबर ऑप्शन में, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। जाता है कभी कभी सादृश्यता के नियम इसे फॉलो करके ये सीरीज बनवा देता है, यह ना कॉम्पिटिशन है। अब देखो ये क्या कर रहा है, सीधे के सीधे पलट दे रहा है, अमरी ये था वाटर प्रतिबिंब नीचे की तरफ पलट रहा था, नीचे की तरफ पलट रहा था, लेकिन अमरी है दर्पण प्रतिबिंब, इन्हें दर्पण लगाइए, देखिए ये सीधे इन्हें वह पलट दिया तो ये आया, तो उसी तरह दर्पण प्रतिबिंब हमने करना है, ऊपर की तरफ पलटिएगा तो देखिए ऊपर की तरफ पलटने से कोई नहीं है लेकिन दर्पण की प्रतिबिंब की तरफ पलटी, क्योंकि दर्पण लगाइएगा तो मैं ऐसा ही ना देखेगा, तो इधर भी दर्पण लगाइए तो ये फिर उन्हें पलट जाएगा और त्रिभुज उन्हें भाग जाएगा, उन्हें भागेगा। चलो देखिए तो हो गया इसका आंसर, ये पलट गया, बाकी कोई में तो है ही नहीं, तो 63 का हो गया 1 ठीक है। अब बात कर लेते, देखो ये बड़ा है छोटा है छोटा है, आ सीधे फिर यो दर्पण प्रतिबिंब सीधे पलट दिया तो ऐसा ना ना गया, तो बताओ बड़ा है छोटा है छोटा फिर दर्पण प्रतिबिंब पलट देगा तो ऐसा ना आ जाएगा। देखो यो दर्पण प्रतिबिंब है ऐसा था दर्पण रख देगा ना तो दर्पण में ऐसा दिखेगा, पलट दिया तो बताओ ऐसा नहीं तो दर्पण रखेगा तो सीधे ना दिखेगा 4 गो ऊपर की तरफ, 3 गो है तो गलती हो गया। अच्छा जब दर्पण के नियम से नहीं मिला, जैसे अब देखो में तो 3 गो है, अरे दर्पण लगावा है या कोई में 4 गो रहता तो में 3 गो थोड़े देखेगा, 4 हो ना देखेगा बुआ, तो में 4 गो कोई ऑप्शन में ना है, तो अब देखेंगे कि देखो इसको पलटने से ही लाया तो ये 4 गो को पलटो नीचे मुँह, देखो पलटे से ये में आ गया कि ना आ गया, तो जब दर्पण वाला नियम फेल हो गया तो उल्टे पलटे वाला क्या किए, एन्ने था तीर तो हमारी तीर चला गया एन्ने, तो तीर ऊपर है तो तीर आ जाएगा हमारे नीचे, तो आंसर 1 हो गया। जब दर्पण वाला नियम ना लगे तो ये नियम से लगा ली, जैसे देखो तो 4 गो में नहीं ना ऊपर में था, ठीक है तो 1 आंसर इसका हो गया। तो 65 का आंसर क्या हो गया 1। अब देखिए सीरीज ना है, एगो है 2 गो हो गया, अब 3 गो लाइन होने गए देखो तो हमारी कई गो लाइन होते 4 गो, तो एमें देखो 3 गो है 2 गो है 2 गो 4 गो लाइन एमें बन ले तो 2 आंसर ना हो गए। अब देखो ये ठीक है ऐसा है तो ऐसे ऐसे कटल है ना, तो अगला में भी ऐसे ही काटा है, देखना ऐसे ऐसे काटा ना लाइन,
तो अगला में भी ऐसे ही काटा है, जो काटा हुआ था वो सादा हो गया, आ जो न कटल था ओकरा काट दिया। तो उसी तरह ये भी ऐसे ऐसे काट ले है, तो इसको ऐसा ही काटेगा आ ये वाला सादा हो जाएगा। देखो सादा हो गया, खुद के ऐसे ही सेम काटा है, तो तीन आंसर ना। देखो ये ऐसे है, एक पलटे से ये एन एम गया, तो ये ऐसे है तो एक पलटेगा तो एन एम गया जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण लगाएगा तो ऐसा बन जाएगा, तो एन दर्पण लगाएगा तो ऐसे ना बन जाएगा। चाहे सीधे आकृति के लिए एन पलट दीजिए, तो सीधे एक उठाइए पलट दीजिएगा तो देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है बस थोड़ा और, अब देखिए एक है आ तीन को एक लिखा बन गया, आंख दम देखो ना तक रहा है, मुंह भी है, तो देखो ये गो है तो तीन गो बन जाएगा आंख मुंह वाला, आंख मुंह वाला बन गया, चार आंसर हो गया। गुना है प्लस हो गया, ये गुना में है तो एक लिखा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया एक नंबर आंसर, इसे तो प्लस ना बना। अरे ये गो लाइन वाला रह तो एगो प्लस, तो दू गो काट ले तो प्लस बनते तो दू गो लाइन रहते ना। ठीक देखो ये है क्या किया है कि इसको 90 डिग्री पलट दिया है तो ऐसा बन गया, अलग अलग कर दिया, तो उसी तरह 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में एक घुमा देंगे, एक दोनों के अलग अलग कर देंगे, तो देखो 90 डिग्री तो यह सीधा हो जाएगा, तो टेढ़ा टेढ़ा गलती है, एक गो सीधा तो यह आंसर। ये में तीन गो आप दुइये गो बॉक्स बचा, एगो माइनस वाला उड़ के भाग गया, तो बताओ ये तीन गो है तो एगो प्लस वाला उड़ा के भगा दो तो यह ना बचेगा। अब देखो ये झंडा है, झंडा के सीधे पलट दिया तो यह तो त्रिभुज एक सीधे पलट देगा, तो कोई ऑप्शन में ना, मतलब ये इन्ने मुँह पलटा है तो पक्का एक नीचे मुँह पलट के। अब देखो देखो हमें दर्पण फिर तुम नियम काम नहीं ना किया, इसको इन्ने मुँह पलटा तो झंडा ये हुआ, तो एक पलटते तो इसने ना रह जाता, कोई में है नहीं है, तब देखो इसको इन्ने पलटे तो पक्का एक नीचे मुँह पलट के देखो है कहीं, देखो है ना, समझ गया। अब देखो ये है एक मुँह बंद करके आ एगो के बदला दू गो बिंदु दुआ, दू गो के बदला तीन गो बिंदु दिया, तो हमने तीन गो के बदला कै गो बिंदु आएगा, एक दो तीन चार गो। देखो अगर रंगा हुआ है तो रंगले बिंदु आ रहा है, ये सादा सादा बिंदु दिले तो कहानी खत्म है, एमें चार गो बिंदु दिले। देखो पहले ऐसा चतुर्भुज बन तो हमने त्रिभुज बन गए, चतुर्भुज बन तो त्रिभुज बन गए, हमें चार गो जीरो दे दिले, तो आंसर एक क्यों हुआ समझ गए। देखो दू गो आँख था, हमारी नाक आ गया, अमरी मुँह आ गया, तो अमरी कानो लाना दे भाई अगला में। देखो तो हमें मुँह गायब कर दिल, अच्छा दू गो आँख रहें तो आँख गायब कल न कल, एगो नाक बनल तो अगला में नाक गायब कल न कल, तो हमारी आँख नाक आ मुँह बनल एक गायब न कर देना है, गायबे मुँह कह दिले। आ देख इमें एक गो कान बनल, अरे दू गो आँख रहें एगो नाक रहें एगो मुँह रहें तो एगो कान तू कैसे बनबे, कान कोई के एगो होते, फुलफिल करे ला कै गो कान बनेगा, तो कॉमन सेंस के बात है, तो कॉमन सेंस में जाइएगा तो फेंका भी सकते हैं। दू गो से बना कै गो, तीन गो, तीन गो से कै बना चार गो, तो हमारी पाँच गो आकृति बनेगा, तो गिनो एक दो तीन चार पाँच, आई में मुँह गायब कर दिले गलत बात, एक दो तीन चार पाँच, चलिए ये हो सकता है एक दो तीन, में चार गो है तो गलत है, आ देखो एक दो तीन चार पाँच छः गो, तो गलती ना हो गया, श्रृंखला को भूलना नहीं है, जज्बाती में ढूल जाइएगा तो गलत होगा, आँख नाक मुँह तो आप सोचिएगा कि अब कान होता ही, तो दू गो कान लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। दू गो से तीन गो अंदर पिक्चर बना, तीन गो से चार गो बना, तो चार गो से पाँचे गो बनेगा, है कि ना, आपको कन्फ्यूज करना है, श्रृंखला के नियम ना पालन करना है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है फिर अगला बनते तो और कान बनाते, लेकिन इतना तक में तो यही आंसर होगा, अंदर दो गो है तीन गो हुआ चार गो हुआ, तो हमारे गिनने पर पाँच गो होना चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच, ये गिनिएगा तो छः गो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है आज के लिए बस इतना ही, तो नवोदय का समाप्त हुआ, कल पढ़ा देंगे क्या है सदृशता, आज श्रृंखला खत्म हो गया। धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो।